फ्रेंड्स, आज मैं बचे हुए डोसे के बैटर से बहुत ही टेस्टी नाश्ता बना करके तैयार करूंगी। इसके लिए हमने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, धनिया की पत्ती को ले लिया है काट करके। अब मैं इसमें डोसे का बैटर डाल दूंगी, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और बेकिंग पाउडर डाल दूंगी। आप चाहें तो इनो या सोडा भी डाल सकते हैं। अब मैं इसे बनाऊंगी अप्पम पैन में, तो मैं इसे थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लूंगी। आप चाहें तो इस बैटर से उत्पम भी बना सकते हैं। अब मैं हर कैविटी में एक एक चम्मच डाल कर दूंगी। डालने के बाद मैं इसे 3 मिनट के लिए ढक कर के पका लूंगी। 3 मिनट के बाद अब मैं इसे पलट लूंगी, तो आप चम्मच के पिछले वाले हिस्से से आप इसे पलट लें, बहुत आसानी से हो जाता है। अब मैं इस पर फिर से थोड़ा सा ऑयल लगा लूंगी और 3 मिनट के लिए या 4 मिनट के लिए फिर से आप ढक कर के पका लें। तो ये हमारा नाश्ता बन करके तैयार हो गया है। अब मैं इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेती हूँ। आप चाहें तो इसे केचप या ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड, देखा, बहुत ही आसान सी रेसिपी है ना। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।